बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपने लेक्चर नंबर 4 का आगाज करने लगे हैं। लेक्चर नंबर 3 तक हम लोगों ने पौधों के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन हासिल की कि किस तरह से सर्द इलाकों में पौधे सर्वाइव करते हैं। आज हम करने लगे हैं कि पौधे किस तरह से अपने माहौल के साथ मुताबकत पैदा करते हैं, किस तरह के अपने अंदर खसूसियात को किस तरह के पैदा करते हैं अपने माहौल के साथ एडजस्ट करने के लिए। तो पेज नंबर 26 पे रीडिंग से हम स्टार्ट करते हैं। कुछ पौधे दुश्मनों से बचाव के लिए कांटे रखते हैं, मसलन कीकर, ऑक्टोपस का दरख्त और गुलाब वगैरह। कुछ पौधे जो हैं अपने माहौल से मुताबकत, क्योंकि ये बड़े सेंसिटिव प्लांट्स होते हैं, इनके लिए इनके फ्लावर्स होते हैं बड़े सेंसिटिव होते हैं, तो इस तरह के जो पौधे होते हैं इनके गिर्द कांटे होते हैं। कांटे क्या करते हैं, फूल को और पत्तों को बचाते हैं डैमेज होने से। और दूसरा, मुख्तलिफ दुश्मन इनके जैसे होते हैं, मुख्तलिफ अशरात वगैरह जो है तो फूलों के ऊपर बैठते हैं और इनको डैमेज करते हैं, उनसे बचाने के लिए इनके ऊपर कांटे मौजूद होते हैं। आगे एक सरगर्मी है, वो आपने खुद कर ली है। नेक्स्ट हम पढ़ने लगे हैं डिटेल उन प्लांट्स की जो अपने माहौल के साथ मुताबकत पैदा करते हैं। वो किस तरह से मुताबकत पैदा करते हैं देखते हैं। पौधे सूरज की रोशनी से अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, लेकिन कुछ पौधों को ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है। इस किस्म के पौधे अपनी गजाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए हशरात खाते हैं, इन्हें हशरात खोर पौधे कहते हैं। जी, आप लोगों ने पढ़ा हुआ और सबको बताया गया है कि पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है, उनको खुराक की ज़रूरत होती है और अपनी इन गजाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हशरात को खाते हैं। इसलिए ऐसे पौधे जो हशरात को इस्तेमाल करते हैं खुराक के तौर पर, उनको हशरात खोर पौधे कहते हैं, हशरात खोर पौधे कहते हैं। इसकी चंद एक मिसालें हैं। सबसे पहले देखें कूजी प्लांट, जिसको इंग्लिश में पिक्चर प्लांट कहते हैं। ये आपकी बुक के ऊपर बना हुआ भी है, ये देखें पेज नंबर 26 पे, ये कूजी प्लांट जो है इसको पिचर प्लांट बोलते हैं इंग्लिश में। कूजी पौधे के बर्तन नमा हिस्से में हशरात रस चूसने के लिए दाखिल होते हैं। हशरात के दाखिल होते ही बर्तन का ढक्कन बंद हो जाता है और हशरात कैद होकर अंदर ही हजम हो जाते हैं। ये देखें, जो भी कोई हशरात जो है इस फूल के अंदर दाखिल होते हैं तो इसका ऊपर वाला ढक्कन जो है वो बंद हो जाता है फूल का, और हशरात जो अंदर एंटर होता है, ये देख सकते हैं आप लोग, अंदर एंटर हो जाता है हशरात, तो ये ऊपर से अपना ढक्कन बंद कर देते हैं। जब ढक्कन बंद कर देते हैं तो जानवर जो अंदर दाखिल हुआ हुआ है यानी कि हशरात, उसको हजम कर लेते हैं और अपनी गजाई जरूरियात जो है वो हशरात से पूरी कर लेते हैं। उसके बाद है सैंडियू। सैंडियू जो है इसमें क्या होता है, इसके फ्लावर के ऊपर इस तरह जैसे टेंटिकल्स होते हैं वो लगे हुए होते हैं ये, और इनके एंड पे यहाँ पे एक चिपकने वाला मादा लगा हुआ होता है, इनके ऊपर एक चिपकने वाला मादा लगा होता है। जो भी कोई कीड़ा मकोड़ा कोई इंसेक्ट इनके ऊपर आगे बैठता है तो क्या होता है, वो इसके ऊपर चिपक जाता है। अगर कोई इंसेक्ट आता है और यहाँ पे आके बैठता है तो इनके साथ ही चिपक जाता है। ये चिपकने वाले होते हैं और उसको पकड़ लेते हैं इंसेक्ट को, तो इस तरह से इस इंसेक्ट को ये हजम करके अपनी गजाई जरूरियात उससे पूरी करते हैं, इसकी रीडिंग कर लेते हैं। सैंडियो के पत्तों पर चिपकने वाले रेशे होते हैं, हशरात इन रेशों में उलझ कर फंस जाते हैं और पौधा इन्हें हजम कर जाता है। उसके बाद सेहराब पौधे किस तरह से अपनी मुताबकत पैदा करते हैं अपने माहौल के साथ जिंदा रहने के लिए, किस तरह से मुताबकत पैदा करते हैं। सेहराई पौधों के तने घने और गुदेदार होते हैं, ये इन तनों में पानी से घिरा कर लेते हैं ताकि सेहराब के गर्म माहौल में खुश्क होकर मरने से बच सके, मसलन थोहर। अब ये देखिए सेहराई जितने भी पौधे हैं उन सबकी मैं आपको बात बताती हूँ, उन सबकी जब स्टडी आप करें तो आप देखेंगे कि वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होती और सेहराई पौधों के लिए पानी बहुत ज़्यादा नहीं होता। अब वो क्या करते हैं, अपने तनों के अंदर ही पानी को स्टोर कर लेते हैं और उनके बाहर कांटे भी लगे हुए होते हैं ताकि कोई इंसेक्ट वगैरह जो है उस पौधे को डैमेज ना कर सके। और जो पानी उनके अंदर स्टोर होता है वो जो है वो इस्तेमाल करते हैं और अपनी सारी एक्टिविटीज़ जो
जो है उनको कैरी आउट करते हैं। अब है मुसाकन के लिहाज से पौधों की ग्रो बंदी, मुसाकन यानी मस्कन, जिस जगह पे रहते हैं उसके लिहाज से पौधों की ग्रो बंदी। तो मुसाकन के लिहाज से अगर आप पौधों की ग्रो बंदी करें तो दो तरह के होते हैं, खुश्की के पौधे और दूसरे हैं आदि पौधे।
या चौड़ा हिस्सा भी इसको कहते हैं जी। अगर पता देखें तो सेंटर में इसकी मिडरिप होती है, मिडरिप से आगे और वेन्स निकलती हैं और वो ज्यादा रगें बना देती हैं, और ये जो चौड़ा हिस्सा होता है पत्ते का, और ये जो है ये पत्ते की डंडी लगती है। पत्ते के अंदर एक सब्ज रंग का मादा होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल की मदद से जो है वो फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, और फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान जो है खुराक बनती है पौधे के लिए। उसके बाद है पत्ते पर चुराव। पत्ते के पिछले हिस्से पर बारीक बारीक मसामदार होते हैं जिन्हें स्ट्रोमेटा कहते हैं। इन स्ट्रोमेटा की मदद से पत्ते और माहौल के दरमियान गैसों का तबादला होता है। पौधों से बुखारात की शक्ल में पानी का एहराज भी इन्हीं चुराहों से होता है। पानी का ये एहराज ट्रांसपायरेशन कहलाता है। अब ये देखें पत्ते का स्ट्रक्चर तो हो गया, हमने स्टडी कर लिया, उसके बाद हम पढ़ने लगे हैं इसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर भी होते हैं पत्ते के ऊपर। जब पत्ते का सामने वाला हिस्सा है ना, पत्ते का जो पीछे वाला हिस्सा होता है, नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसके ऊपर छोटे छोटे से सुराख होते हैं। इन सुराखों को कहते हैं स्ट्रोमेटा। पत्ते के ऊपर छोटे छोटे जो सुराख होते हैं इसके नीचे वाले हिस्से की तरफ, उनको बोलते हैं स्ट्रोमेटा। इन स्ट्रोमेटा के जरिए जो है गैसों का तबादला होता है, ऑक्सीजन बाहर की तरफ मूव करती है और कार्बन डाइऑक्साइड पत्ते के अंदर की तरफ। इसके अलावा पानी का जो है एहराज जो होता है वो भी स्ट्रोमेटा के जरिए होता है। पौधे के अंदर पानी का जो एहराज है वो स्ट्रोमेटा के जरिए होता है, और पानी के एहराज का ये जो अमल होता है इसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। उसके बाद है ज़ेआई तरीफ। ज़ेआई तरीफ को फोटोसिंथेसिस कहते हैं इंग्लिश में। पौधे सूरज की रोशनी में अपनी गिजा तैयार करते हैं, ये अमल ज़ेआई तरीफ कहलाता है। गिजा बनाने के लिए पत्तों में चार चीजों का होना जरूरी है। ज़ेआई तरीफ आप लोग जानते हैं, फोटोसिंथेसिस को कहते हैं सूरज की रोशनी की मौजूदगी में पौधों के अंदर सत्र अंग का मादा होता है क्लोरोफिल। उस क्लोरोफिल की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस होता है जिसके जरिए जो है खुराक बनती है। इस अमल को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब वगैरह फोटोसिंथेसिस के लिए चार चीजों का होना जरूरी है, पानी का, सूरज की रोशनी का, कार्बन डाइऑक्साइड का और क्लोरोफिल का। ये देखिए डायग्राम बनी हुई है पेज के ऊपर। ये देखें सूरज की रोशनी, ऑक्सीजन जो है वो बाहर की तरफ मूव कर रही है, और माहौल से जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो पत्तों के अंदर एंटर हो रही है, और जमीन से पौधा पानी ले रहा है, और पत्तों के अंदर सब्ज रंग का एक मादा है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। इन सब चीजों के मिलने से एक अमल होता है जिस अमल को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस का अमल ही है जिसके जरिए पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। इसके साथ ही आज के लेक्चर का इख्तिताम होता है। नए लेक्चर के साथ फिर आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।